सारी लेग है और इसके साथ साथ यहाँ पर बोटियों का भी प्रोग्राम जबरदस्त सा है और बोल भी दो बहुत ही टेस्टी है, जायका तो दो बेसब्री से मुझे इंतजार था। सुमान गाजी वाली देखती आंखें सुनते कानों को सलाम। बड़ी ईद की बारबेक्यू पार्टी के लिए बड़ी जगह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। इस वक्त मैं दो दरिया पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं बारबेक्यू पार्टी। इस बारबेक्यू पार्टी के अंदर गाइस लैम्ब की पूरी लेग है और इसके साथ साथ यहाँ पर बोटियों का भी प्रोग्राम जबरदस्त सा है और ऊपर उसके ऑयल के बजाय चर्बी के साथ उसकी टकिंग की जा रही है ताकि अच्छे से इसके अंदर जायका आ जाए। और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त यार मौजूद हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और बारबेक्यू सिस्टम का दो दरिया पे करने का मजा ही बिल्कुल अलग है गाइस। इस व्लॉग के अंदर आप हमारे को ज्वाइन कीजिए, आगे इस व्लॉग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं और किस तरीके से ये बोटियां बनाते हैं सब आपको शेयर करते हैं। अरुण भाई, इस तरीके से ये चर्बी को बोटियों के ऊपर, इसकी क्या टेक्निक है? टेक्निक कुछ भी नहीं है, जो कुदरती टेस्ट है नमकीन जो होता है दुम्बे का, वो इसमें आ जाएगा और जो उसका टेस्ट आएगा वो कोई अलग ही टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, यानी कि इस चर्बी को अगर इसके ऊपर हम लगाएंगे तो उसका टेस्ट मजीद बढ़ जाएगा और बोटी का टेस्ट मजीद अच्छा होगा। तो भाई ये भी इन्होंने एक अच्छी टेक्निक बताई है कि चर्बी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, आप दुम्बे की चर्बी को उसी की गोश्त के ऊपर लगाएं। ये कोई भी एक्सपर्ट आपके पास बड़े का गोश्त है, बकरे का है, घी से बेहतर है कि आप चर्बी यूज करें, टेस्ट भी अच्छा होगा और बिल्कुल नेचुरल टेस्ट हो जाएगा और बहुत जबरदस्त किस्म की बोटियां तैयार हो जाएंगी। इस वक्त ये बोटियां हमारी तैयार हो रही है और यकीन मानो यार बिल्कुल बेसब्री सी है, सारा कार्डियो वर्कआउट साइड पर है और सिर्फ इस वक्त पूरा माइंड बोटियों पर है और असल माइंड तो मेरा वो लैम्प पर है। जो ये लैम्प तैयार हो जाएगा तो असल माल यहाँ है। तो भाई वो वाला मुझे कब खिला रहे हो अरुण भाई? बस ये शिफ्ट उतर जाए इसके बाद फिर ये उसकी तैयारी इंशाल्लाह, वो लगा ये शिफ्ट खत्म हो जाए उसके बाद उसकी तैयारी। गाइज हमारे साथ रहिए, ये तैयार हो जाए इस बोटियों के बाद उसकी बारी है और उसकी रेसिपी आपके साथ एंड में शेयर करेंगे। बोटियां तैयार हो चुकी हैं तो इस वक्त सबसे पहला टेस्ट हारून भाई आप खुद करेंगे और अपने ही बनाई हुई बोटियों को हमें बताएंगे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड हो गया, एंड बोल भी दो। बहुत ही टेस्टी है, जायका तो लेने दो यार। जायका ले रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त हो गया भाई। यामीन भाई अभी जरा आप खा के बताएं मुझे, इसका बताएं, सही रिव्यू देना। ओए होए होए, लेवल हो गया, लेवल हो गया। अमर भाई जरा आपकी बारी है, जरा खा के बताएं कौन सा लेवल हो गया। ओह, एंड लेवल हो गया भाई, एंड लेवल हो गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का लेवल हो गया। तो इस लेवल को हम भी चेक करते हैं और एक यहाँ से लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औसम, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की इसका टेस्ट है। और ये भाई तो इस वक्त मुझे बिल्कुल हैरान और चौंके हुए लग रहे हैं कि किस टेस्ट है भाई। यार मेरी वीडियो नहीं बना, मैं शेव नहीं बना के आया, शेव बना के नहीं आया। नबील भाई आप रह गए उस वक्त, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाएं और इस टेस्ट के बारे में हमें बता दें आप जल्दी से। एक और टेस्ट, माशाल्लाह बहुत आला बना है, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। और हमारे जो मेन भाई यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बताएं सभी, बहुत जबरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह से। हमारे यामीन भाई की मेहनत है और हमारे उस्ताद जो हारून भाई उनकी मेहनत है, माशाल्लाह। बोटियों का तो जायका डोंट आउट, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हमारी बारी है लैम्ब की, इसका जायका कैसा होगा इसके लिए मैं बड़ा बेताब हूँ। तो मेरे साथ रहिए और इसके जायके और उसको बना के आपको दिखाते हैं कैसा बेहतरीन जायका होगा। ओके, तो दोस्तों वक्त आ गया है इस वक्त लैम्ब का। तो हारून भाई इस वक्त इनके हाथ में लैम्ब मौजूद है जो कि पूरी शिप की हमने लेग से निकाल के यहाँ पे रख लिया और इसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। तो हारून भाई अब इसके साथ अब क्या प्रोसेस करने वाले भाई? इसके साथ हम करेंगे ये कि हमने दुम्बे की जो चर्बी है वो निकाल के रखी हुई है और हम इसको इस तरीके से जो है इसको ऊपर लगाएंगे इस तरह। भाई दुम्बे की चर्बी इन्होंने अलग से रखी हुई थी, अब वो दुम्बे की चर्बी इसके ऊपर इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि इस चर्बी को जब हम
फ्रेम के ऊपर रखें, कोयलों के ऊपर रखें, तो इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। तो फॉइल मौजूद है हमारे पास, ये चर्बी लगाने के बाद फॉइल हम इस पर रखेंगे और उसको हम पैक कर देंगे, रैप कर देंगे पूरा। रैप करने के बाद फिर हम इसके ऊपर रखेंगे कोयलों के ऊपर। उसके बाद जब ये बन के तैयार होगा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जो थोड़ी बहुत चर्बी रह जाएगी हम उसको हटा देंगे, जो अंदर जो बीफ होगा वो तैयार होगा। ओके गाइस, तो इस वक्त इसका जो प्रोसेस आपको थोड़ा थोड़ा हमने शॉर्ट शॉर्ट बताया, इस तरीके का इसका प्रोसेस होगा। अब इसके असल प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने इसको समेटते हैं और जब ये बन जाएगा उसके बाद आपको इसका बताते हैं रिव्यू कि किस तरीके का ये बना। तो हमारे साथ आपने ज़रूर रहना है। तो यहाँ पर हमारा ये लैम्प इस वक्त ओके हो गया। तो हारून भाई, अभी आगे का प्रोसेस आप क्या करने वाले हैं इसमें? प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, बस इसको रैप कर दिया हमने, तो बस इसको रखेंगे कोयलों के ऊपर। भाई अभी ये रैप हो गया अच्छे से, अभी इसे हम कोयलों पे रखेंगे इस तरीके से ताकि इसे अच्छे से स्टीम मिले और इसको अच्छे से तैयार हो जाए। जब ये अच्छे से तैयार होगा, कम अज़ कम इसको हम कितना टाइम देंगे अभी हारून भाई? तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, तकरीबन आधे घंटे का गाइस यहाँ टाइम है, आधे घंटे से 40 मिनट का यहाँ में टाइम लग जाएगा। जैसे ये रेडी होता है, इस वक्त ये प्रोसेस पे चल रहा है, तो उसके बाद इसका फाइनल लुक कैसा निकलता है और ये किस तरीके का तैयार होता है आपको ये बताएंगे। और ये रेसिपी अक्सर आप लोग यूज़ भी करते होंगे, ट्राई भी करते होंगे। हम इस वक्त खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर ये सारी रेसिपी, तो देखते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे कि इससे पहले की तमाम बोटियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। तो साथ रहिएगा। ओके, तो भाईजान एक और सी बोटी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बोटी है। और बड़ी ईद का गोश्त खाने में तो यकीन मानो एक अलग ही मज़ा है। और इस गोश्त को आप वैसे आम दिनों में खाओगे तो आपको बदहजमी हो सकती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, शुगर कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर जो बड़ी ईद का गोश्त होता है इसके अंदर अल्लाह ताला की ऐसी बरकत ऐसी रहमत है कि आपको ये ज़्यादा अगर हद से तजावज़ आप ना कर जाएँ तो आपको नुकसान नहीं देता। जो भी आपको बीमारी है आप इसे कम अज़ कम आधा पाव एक पाव तक आराम सुकून से खा सकते हैं। और इस चीज़ की दो दरिया पर बैठ के खुली फिजा में बैठ के खाने का तो सुभान अल्लाह भाई, ऑसम। ओके गाइस, तो इस वक्त ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो हारून भाई आप क्या कहते हैं, इसे अब हटा देना चाहिए? हाँ इंशाल्लाह, मेरे ख्याल उम्मीद है कि बन गया होगा, तैयार हो चुका है, तो ये हम इसको हटाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हारून भाई बिस्मिल्लाह करें और इसे यहाँ पे रखें ताकि हमारे देखने वाले भाई देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, डिश बनेगी हमारे यहाँ भाई कह रहे हैं। और इस वक्त इसे हम खोल रहे हैं और इसके ऊपर हमने ज़रा कवरिंग अच्छे से की थी, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है, इस वक्त खुशबू आ रही है। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अभी हम टेस्ट भी बताएंगे आपको देख के। माशाल्लाह भाई, जरा इसके ऊपर सही से फोकस करना है, मैं चाहता हूँ उसके जरा बिल्कुल करीब चले। ये बिल्कुल हेल्दी खाना है, अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यार आपको गोश्त लगे अच्छे से, तो फिर आपने इस तरीके का गोश्त खाना है। तो बिस्मिल्लाह कर सकता हूँ अरुण भाई? बिल्कुल, चेक करें, चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही गर्म है लेकिन फिर भी गर्म चीज़ों को ट्राई करने का अलग ही मज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जीना चले भाई, सुभान अल्लाह, जा रहे मेरे भाई, माशाल्लाह, औसम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है और बहुत ही सादा, ना इसके अंदर ज़्यादा मसाले हैं ना इसके अंदर कम मसाला है, बिल्कुल एक दरमियान और मतवाजन सी गज़ा। और इस तरह की डिशेस आप बनाएं ईद पर और उन्हें खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नबील भाई आपको खाए, आपने टेस्ट किया अभी तक? बेहतरीन है, बहुत अच्छा बन गया, सोचा था उससे भी अली भाई जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट तो दे। यामीन भाई, तमाम क्रेडिट हमारे यामीन भाई का है, हारून भाई ने तो पकाया लेकिन यामीन भाई ने दुबई का अरेंजमेंट किया, माशाल्लाह से अल्लाह ताला की इस दुबई की कुर्बानी को कबूल फरमाए और हम सबको
बताएंगे, एक भाईचारा है जिसे अल्लाह ताला ऐसे ही कायम दायम रखे। अरुण भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मज़ीद? अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है, बहुत बहुत ही लेवल का टेस्ट आया है। मतलब कि नमकीन है, मसाले को ज़्यादा हमने नहीं रखे, लेकिन टेस्ट जो है ना, हमने इसके ऊपर जो चर्बी लगाई थी उसी के अंदर हीट से जो है ये पिघलता रहा, उसी की हीट के अंदर चर्बी ऑयल के अंदर जो है ये तैयार। माशाल्लाह से गाइस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म पे तैयार हो चुका है, अभी इसे हम खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हमने उसकी नेमतों को खाया बनाया। और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और मज़ीद फिटनेस वीडियोज़ के लिए, जंप रोप वर्कआउट्स के लिए मेरा चैनल पाक फिटनेस आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।